हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर वेनस आपके नवांश कुंडली के 8th हाउस में प्लेस्ड है तो आपको उसके अकॉर्डिंग कैसा रिजल्ट मिल सकता है, उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द एस्ट्रो विद्यालय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ आप मिस ना करें। और अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो अभी आप लोग डिस्क्रिप्शन सेक्शन में चले जाइए, वहाँ से आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे, देन एक लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हमेशा खुश रहिए, यही प्रार्थना के साथ डिस्कशन पे चलते हैं। सो द 8th हाउस, सबसे कंट्रोवर्शियल हाउस, राइट? मतलब 8th हाउस को लेके मैंने बहुत सारे वीडियोस भी इससे पहले बनाया था। तो 8th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है ये दोबारा से शायद मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि 8th हाउस आपके D1 चार्ट के आपके आयु स्थान को रिप्रेजेंट करता है, आपके लॉन्जिविटी को दिखाता है, आपके डेथ और रिबर्थ वाली जो सिचुएशंस हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, आपकी यहाँ पर देखिए ट्रांसफॉर्मेशंस को दिखाता है 8th हाउस। और आपके D1 चार्ट में यहाँ पर देखिए आपके इन लॉज को शो करता है, आपके जॉइंट एसेट्स को शो करता है अपने पार्टनर के साथ। तो वैसे ही D9 चार्ट का जो 8th हाउस रहता है वो भी कहीं ना कहीं लॉन्जिविटी को ही दिखाएगा। वो भी D9 चार्ट का जो 8th हाउस रहता है वो किस टाइप की लॉन्जिविटी को दिखाएगा? मैरिज रिलेटेड लॉन्जिविटी को दिखाएगा। तो D9 चार्ट के 8th हाउस में अच्छे प्लैनेट का होना या फिर 8th लॉर्ड अच्छे प्लेस, मतलब अच्छे वे में प्लेस्ड होना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैरिज लॉन्जिविटी के लिए। और यहाँ पे देखिए 8th हाउस आपके यहाँ पे D9 चार्ट का ये भी रिप्रेजेंट करेगा कि आपके पार्टनर के साथ आपका जॉइंट अकाउंट मतलब कितना ज़्यादा रह सकता है, या फिर जॉइंट एसेट आप लोगों का कितना ज़्यादा रह सकता है, और मैरिज कितने सारे ट्रांसफॉर्मेशंस के थ्रू गुजर सकता है, या फिर किस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन आप देखोगे। और यहाँ पे देखिए D9 चार्ट का जो 8th हाउस होता है वो भी कहीं ना कहीं इंटीमेसी को दिखाता है, दोनों के बीच किस तरीके का जो रिलेशनशिप रहेगा वो भी हम 8th हाउस के D9 चार्ट के 8th हाउस से देख सकते हैं। अब देखिए 8th हाउस की अगर मैं कुछ नेगेटिव थिंग्स की बात करूँ तो यहाँ पर स्कैंडल्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को भी रिप्रेजेंट करता है। और 8th हाउस देखिए कहीं ना कहीं आपके साइकोलॉजिकल बैगेज को दिखाता है, मतलब जो डीप साइकोलॉजिकल कुछ भी अगर बैगेजेस हैं तो उसको भी हम 8th हाउस से देख सकते हैं। तो 8th हाउस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाउस होता है। अब देखिए वेनस जो है वो नवांश चार्ट के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट माना जाता है। तो अब D9 चार्ट का जब भी 8th हाउस की हम बात करेंगे तो अब वहाँ पे अगर वेनस आके बैठ जाए तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल यही सोचोगे कि बहुत ज़्यादा ख़राब प्लेसमेंट है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वेनस एक्चुअली D1 चार्ट के आपके कौन से हाउसेस का लॉर्ड है, तो जाके आप शुभ या फिर अशुभ रिजल्ट यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इन जनरल आपको एक आइडिया देने जा रही हूँ। तो अगर वेनस अगर नवांश चार्ट के 8th हाउस में है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके पार्टनर के साथ आपका अगर कुछ भी जॉइंट अकाउंट रहे तो वो बहुत अच्छा रहेगा, मतलब फाइनेंशियली एक सेटल्ड पर्सन के साथ इधर आपका मैरिज हो सकता है, या फिर शादी के बाद आप लोगों का जो फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया। यहाँ पे देखिए इन लॉज से या फिर पार्टनर से आपको कहीं ना कहीं शादी के बाद फाइनेंशियल बेनिफिट मिल सकता है। मेरा जो सेकेंड पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि वेनस जिनके भी 8th हाउस में है, शादी के बाद उनका जो लाइफ है वो एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजरेगा, मतलब शादी के बाद आपका लाइफ बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दिखने को मिलता है। अब वो देखिए वेनस अगर यहाँ पे 8th हाउस में D9 चार्ट के शुभ अवस्था में यहाँ पे प्लेस्ड है, मतलब पॉजिटिवली प्लेस्ड है, तो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन आप फेस करोगे वो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा। बट यहाँ पे अगर एफ्लिक्टेड वेनस आपको मिल गया तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा वो पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे 8th हाउस का वेनस है नवांश का, मतलब आपका जो बॉन्ड है वो अपने पार्टनर के साथ काफ़ी ज़्यादा एक मतलब डीप बॉन्ड रहेगा, डीप इमोशनल बॉन्ड ऐसा टाइप का मैं यहाँ पे कह सकती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं अगर वेनस यहाँ पे
एफ्लिक्टेड हो रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन के अंदर या फिर उनके पार्टनर के अंदर जो मतलब डिज़ायर्स है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाए, तो इसकी वजह से फिर एक्सट्रामैरिटल अफेयर्स भी हो सकते हैं। अगर यहाँ पे वेनस एफ्लिक्टेड है या फिर आपके लगन चार्ट के हिसाब से वेनस शुभ प्लैनेट नहीं या नक्षत्र वेनस को अच्छा नहीं मिला है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स भी आए जहाँ पे ज़्यादा कमिटमेंट ना हो, और यहाँ पे ये भी देखा जाता है। बट ये जो पर्सन होंगे ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डीप इमोशनल बॉन्ड को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देते होंगे। ये पर्सन ऐसे नहीं होंगे कि किसी भी कैजुअल रिलेशनशिप में चले जाए, ये इस टाइप के पर्सन नहीं होंगे। तो यहाँ पे इनको भी बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, स्पेशली अगर किसी भी लड़की के चार्ट में वेनस D9 के 8th हाउस में प्रेजेंट मतलब प्लेस्ड हैं, तो यहाँ पे उनको अपने पार्टनर को चॉइस करते टाइम बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा केयरफुली आपको अपना पार्टनर चॉइस करना चाहिए। यहाँ पर आपको ये देखना चाहिए कि मतलब ये हो सकता है कि आप उनके स्टेटस को, फाइनेंशियल स्टेटस को देख के यहाँ पर शादी वगैरह कर लो, तो यहाँ पर ये आपके लाइफ की बहुत बड़ी गलती हो सकती है। या फिर आपको ये भी देखना हो सकता है कि वेनस अगर आपको यहाँ पे आपके चार्ट में आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हो वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कुछ भी बेनिफिट्स पाने के लिए आपसे शादी करें, तो ये भी हो सकता है। तो दोनों तरीके के कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई होंगे। अब देखिए अगर वेनस नवांश के 8th हाउस में है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गुड लुकिंग पार्टनर पाने का भी एक योग बन जाता है। मतलब स्पेशली उनका जो फेस है वो बहुत सुंदर हो सकता है, पार्टनर क्रिएटिव हो सकते हैं, आर्टिस्टिक हो सकते हैं, इन लॉज अच्छे हो सकते हैं, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी बनी रह सकती है। ये कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पर देख सकोगे। ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल वेनस अगर अच्छे वे में प्लेस्ड है तो आपके मैरिज लॉन्जिविटी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। और यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे वेनस आपके एफ्लिक्टेड है, तो कुछ पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के ऊपर आपको यहाँ पर सावधान रहने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ वो कहीं ना कहीं छुपा हुआ बहुत दिन तक नहीं भी रह सकता है, तो वो डिस्क्लोज हो जाने की भी पॉसिबिलिटी हाई रहती है, क्योंकि 8th हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट स्कैंडल्स, राइट। तो यहाँ पर आपको उस इसके ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे देखिए अगर वेनस एफ्लिक्टेड है तो प्राइवेट पार्ट में कुछ प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करनी पड़ सकती है, स्किन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, स्पेशली आफ्टर मैरिज ये सारी चीज़ें हो सकती है अगर यहाँ पे वेनस आपके बैडली एफ्लिक्टेड है। ठीक है, मतलब देखिए कहीं ना कहीं जब भी वेनस नवांश चार्ट के 8th हाउस में चला जाता है, तो आप ये समझ लो कि मैरिड लाइफ में आपका कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा ड्रामा एसोसिएट हो गया। मतलब यहाँ पे आपको भी बहुत ज़्यादा सिंपल मैरिज नहीं पसंद होगा, आपको भी थोड़ा सा ऐसा ही मैरिज चाहिए होगा जहाँ पर थोड़ा बहुत यू नो कॉम्प्लिकेशंस रहे, क्योंकि यहाँ पर वेनस बैठ के यही कहीं ना कहीं आपके अंदर भी ये एनर्जी ज़रूर देगा। वो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि मतलब आप दोनों का ही बॉन्ड काइंड ऑफ यहाँ पे देखिए सीक्रेटिव तो मैं नहीं कहूँगी, बट बहुत ज़्यादा इंटेंस बॉन्डिंग यहाँ पे आप दोनों के बीच हो सकता है। यहाँ पे देखिए अगर वेनस यहाँ पे अच्छे वे में प्लेस्ड है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, मतलब फिर एक डिवोशन वाला जो लव है वो यहाँ पे आप देख पाओगे। पर 8th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, कहीं ना कहीं सैक्रीफाइस, मतलब यहाँ पे वेनस आपसे कहीं ना कहीं एक सैक्रीफाइस ज़रूर करवाएगा, तो वही जाके कोई भी चीज़ आप पाओगे यहाँ पे। लाइक अगर इनहेरिटेंस भी आपको मिल रहा है, तो वो कुछ भी पेनफुल इवेंट लाइक कुछ भी सैक्रिफाइस के थ्रू गुजर के आपको वेनस रिलेटेड हैप्पीनेस यहाँ पे मिल सकता है। बिकॉज 8th हाउस वही रिप्रेजेंट करता है कि पेन रिप्रेजेंट करता है, सफरिंग रिप्रेजेंट करता है, तो वो जाके आपको वो चीज़ मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आसान रास्ता तो नहीं रहेगा, तो यहाँ पे आपको उस वजह से थोड़ा बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि कुछ भी बात मतलब छुपाइएगा मत अपने पार्टनर से, क्योंकि आपके अंदर भी वो टेंडेंसी रह सकती है या फिर आपके पार्टनर के अंदर। बट यहाँ पे अगर वेनस अच्छे वे में प्लेस्ड है तो आपके अंदर हीलिंग एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी, आप अपने पार्टनर को बहुत अच्छी तरीके से हील कर पाओगे। मतलब अगर कोई भी सफरिंग के थ्रू वो गुजर रहे हैं या फिर आप गुजर रहे हो, तो यहाँ पर अगर वेनस अच्छे वे में प्लेस्ड है तो आप दोनों ही एक दूसरे को वो हीलिंग एनर्जी प्रोवाइड कर पाओगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। फाइनेंस
फाइनेंशियल हैप्पीनेस के हिसाब से भी अच्छा रहेगा, इंटीमेसी के हिसाब से भी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे वेनस अगर आपके शुभ वे में प्लेस्ड है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं क्रिएट करेगा, बट हाँ बहुत ज़्यादा स्मूथ मैरिड लाइफ भी यहाँ पर आपकी नहीं होने वाली है। जैसे कि मैंने कहा कि थोड़ा बहुत ड्रामा एसोसिएटेड रहेगा ही। ठीक है, तो आज का जो डिस्कशन है वो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।